Very good morning, 10th class students. Today we will discuss about next question, that is, in previous lecture we had discussed about electron dot structure. Now we will discuss next question. Question number 2 is given as, why do ionic compounds have high melting points? आयनिक यौगिकों का गलनांक जो है भाई उच्च क्यों होता है? आप जानते हो जैसे हमारे पास कोई भी आयनिक कंपाउंड है, जैसे मैं NaCl की बात करूं, तो ये कैसे बना हुआ है? इसके ऊपर तो Na प्लस चार्ज है, इसके ऊपर Cl माइनस चार्ज है, तो ये एक दूसरे से बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेज से बाइंड होंगे ना. दीज आर बाइंडेड बाई स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ड्यू टू इंटर आयनिक अट्रैक्शन. इनके अंदर जो अंतर आयनिक आकर्षण होते हैं. आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है. इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ दीज कंपाउंड. अब आप देखो इनके क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो भी इनके क्रिस्टल लैटिस होते हैं बच्चे, इस तरह से होते हैं इनके क्रिस्टल लैटिस. उनके अंदर क्या है, जो Na प्लस आयन है वो Cl माइनस आयन से क्या है, बहुत अरेंज होते हैं, एक डेफिनेट ऑर्डर में होते हैं. दीज एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्सेज इन दैम. इसलिए इनके अंदर जो स्ट्रॉन्ग आयनिक फोर्सेज हैं, अब इनको तोड़ने के लिए क्या है, ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा. क्लियर? सभी को पता है मिनरल्स क्या होते हैं. मिनरल्स हमारे खनिज होते हैं और ऐसे सब्सटेंस जो धरती के अंदर मिलते हैं हमें और अलग अलग मेथड से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं. ऐसे सब्सटेंस जिनसे धातुओं को क्या है, अलग अलग तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उनको मिनरल्स बोलते हैं. और स्पेशली ओर्स हमारे क्या होते हैं, ओर को हिंदी में बोला जाता है बच्चों अयस्क. ओर का मतलब क्या होता है, अयस्क. क्या होता है अयस्क भाई? दोज मिनरल्स, ऐसे मिनरल जिनसे धातु का एक्सट्रैक्शन आसान भी हो और फायदेमंद भी हो, जिससे हमें कुछ बच जाए. ठीक है, क्लियर है? जैसे मैं बात करूँ, मेरे पास आयरन है बच्चों. अब आयरन के मेरे पास क्या है, काफ़ी सारे मिनरल हैं. काफ़ी सारे मिनरल मेरे पास आयरन के हैं, जैसे हेमेटाइट. देखो हेमेटाइट ये रहा Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, सीडराइट Fe3CO3. अब देखो इनमें सारे हैं आयरन के मिनरल, लेकिन और इनमें से एक ही होगा जिनसे आयरन को निकालना इजी होगा और कंफर्टेबल होगा और बेनिफिशियरी होगा. ठीक है, तो बताओ कौन होगा इनमें, हेमेटाइट और हमारा माना जाता है. ये तो मिनरल हैं जबकि इनसे आयरन एक्सट्रैक्ट करना इजीली नहीं होता, डिफ़िकल्ट होता है. तो यहाँ पे मेरा जो मेन ओर है वो आयरन का हेमेटाइट है. क्लियर हो गया ना? क्लियर है? आप समझ गए होंगे इस चीज़ को. गैंग क्या होते हैं, गैंग गैंग्स हमारे ऐसे होते हैं, जब भी हम क्या है इन ओर से मेटल को अलग करते हैं तो इनके साथ कुछ इम्प्योरिटी होती हैं, सैंड वगैरह की, जिनको हम अलग अलग मेथड से अलग करते हैं. ये हमारी गैंग पार्टिकल्स कहलाते हैं. ठीक है, अशुद्धियाँ. नेम टू मेटल विच आर फाउंड इन फ्री स्टेट. भाई कौन सी दो धातु हैं जो फ्री स्टेट में पाई जाती हैं, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, जिनके ऑक्साइड नहीं बनते, सल्फाइड नहीं बनते, कार्बोनेट नहीं बनते, जिन पे जंग नहीं लगता. मेन बात ये है, गोल्ड एंड प्लेटिनम दोनों की दोनों फ्री स्टेट में पाई जाती हैं. नेक्स्ट, व्हाट केमिकल प्रोसेस यूज फॉर ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड. जैसे मेरे पास कोई मेटल है और उसके ऑक्साइड के साथ वो प्रेजेंट है, तो आप क्या करोगे, इससे कैसे मेटल प्राप्त करोगे? या तो इसका रिडक्शन कर देंगे हम, या तो इसका रिडक्शन कर दिया मैंने कार्बन के साथ, तो क्या मिलेगा मेरे को, Zn+Cu है ना. अब रिडक्शन की जरूरत तो तब पड़ेगी ना जब वो कम टेम्परेचर पे काम चल जाए, तो रिडक्शन की जरूरत ही नहीं है. अगर कम टेम्परेचर पे गर्म करने से इसका ऑक्साइड चला जाता है तो हम इसको गर्म भी कर सकते हैं. तो दो मेथड हो गए बच्चों. अगर इसको गर्म करें, करने से मिल जाता है, लोअर रिएक्टिविटी है तो इसकी. अगर मेटल है कैन ऑब्टेन बाई हीटिंग, अगर मेटल की रिएक्टिविटी लो है ना तो इसको हीटिंग से भी आप प्राप्त कर सकते हो. अगर मेटल मिडल पॉइंट पर आती है या फिर नीचे वाले पॉइंट पर, ऊपर वाले पॉइंट पर जाती है हाई रिएक्टिविटी, तो उसको हम क्या करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं भाई, गर्म करने से काम नहीं चलता, रिडक्शन करना पड़ता है. क्लियर है? जैसे यहाँ पे जिंक मेरा वैसा ही मेटल है जो बीच में लाई करता है, उसका रिडक्शन मेरे को करना पड़ता है, तभी मेरे को ये प्योर मेटल मिलती है. अब देखो इसमें क्या करना है तुमको, इस क्वेश्चन में कि मेटालिक ऑक्साइड ऑफ जिंक मैग्नीशियम कॉपर वर हीटेड विद दी फॉलोइंग. अब जिंक ऑक्साइड को गर्म करोगे मैग्नीशियम के साथ तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड और जिंक, डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन होगी, ज़्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, सिंपल सी बात थी ये तो. ठीक है, विच मेटल डू नॉट कोरोड इजिली. कौन सी धातुओं पर जल्दी जंग नहीं लगता, अभी बताया था मैंने जो फ्री स्टेट में पाई जाती हैं गोल्ड एंड प्लेटिनम. वट आर अलोइज, अलोइज उपधातु किसे कहते हैं. मिक्सर ऑफ ए मेटल विद अनदर मेटल और नॉन मेटल आर कॉल्ड अलोइज. एक धातु का दूसरी धातु से या एक धातु का दूसरे धातु से क्या है मिश्रण क्या कहलाता है, अलोइज. जैसे आप बनाते हो ब्रास, ब्रॉन्ज, ठीक है, ये दोनों हमारी अलोइज होती हैं. क्वेश्चन है बच्चों ऑप्शन टाइप, इनको एक्सप्लेन भी कर दिया जाएगा, एक्सप्लेनेशन भी इनका दिया गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. कौन देगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंपल सी बात है, सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर मेटल, इन दोनों से ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि सिल्वर मेरा क्या है कम रिएक्टिव, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव. तो कॉपर क्या कर देगा, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह पर खुद आ जाएगा, ये कर दिया सिल्वर डिस्प्लेस. क्लियर?
नेक्स्ट मेरा क्या है, इनमें से कौन सा मेथड हम, एक फ्राइंग पैन होता है जो फ्राई करने वाला है, कि जो पत्थर होता हमारा, जैसे आपके माइंड में आएगा फ्राइंग पैन इस टाइप का होता भाई, ठीक है। फ्राइंग पैन, पैन क्या होता है, तवा होता है, तवा, तवा से समझो आप जो गर्म करते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अप्लाई ग्रीस, इस पर अप्लाई ग्रीस कर देंगे, ग्रीस अप्लाई करेंगे तो गर्म हो गया ग्रीस तो उतर जाएगा, नो प्रॉब्लम। अप्लाई पेंट, पेंट करोगे तो इस पर क्या हो जाएगा, पेंट करोगे तो पेंट भी उतर जाएगा गर्म होके। कोटिंग ऑफ जिंक, यस ये बात ठीक है, अगर इस पर मैं जिंक की कोटिंग कर दूँ तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक क्या है, इसको जंग नहीं लगने देगा, ठीक है। तो ये आप याद रखो, इस पर थर्ड मेथड ज़्यादा कारगर होगा और की बजाय। एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव कंपाउंड विच हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर। सिंपल सी बात है, अगर मैं इनमें से कौन सा कंपाउंड लेकर चलूँ, कैल्शियम को अगर मैं ऑक्सीजन से रिएक्शन कर दूँ तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो मेरा कि सिंपली एक सिलेक्ट लाइम होता है, बुझा हुआ चूना। तो मेरा आंसर जो है वो ये करेक्ट है। फूड कैन्स आर कोटेड विद टीन एंड नॉट विद जिंक, भोजन की जो कैन है, फूड कैन है हमारी, खाने पीने की जिनमें चीज़ें होती हैं वो क्या है, टीन से कोटेड होती है, जिंक से कोटेड नहीं होती भाई, क्योंकि जिंक बच्चों ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, टीन की बजाय, जो कि रिएक्शन कर देगा और बायोकेमिकल जो फूड में प्रेजेंट है उनके साथ रिएक्शन करके हानिकारक पदार्थ बना देगा, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। यू आर गिवन हैमर, आपको एक हथौड़ा दिया गया है, एक बैटरी है और एक बल्ब है, वायर है एंड स्विच, हैव यू यूज दैम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सैंपल ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, कर सकते हो, यस। इफ़ गिवन सैंपल ब्रेक इट इज़ नॉन मेटल, यदि दिया गया हमारा जो एम्बर है उसको मारेंगे वो टूट गया तो नॉन मेटल है, अगर वो फैल गया बढ़ गया सीट बन गई उसकी चादर बन गई तो मैलिएबल है, मतलब मैलिएबिलिटी कौन शो करता है, मेटल्स है ना। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, असेस द यूजफुलनेस ऑफ द टेस्ट इज इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल, इसको टेस्ट करो आप, अब एक बल्ब लगाओ इसमें, बल्ब अगर ग्लो नहीं करता तो इसका मतलब ये बैड कंडक्टर है, और बैड कंडक्टर तो नॉन मेटल्स होती हैं, अगर ये बल्ब जल जाता है तो गुड कंडक्टर है हमारे पास, सिंपल सी बात है, ये देखो स्विच इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यू आर व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, देखो एग्जाम के तौर पर अगर मैं देखूं तो ये क्वेश्चन बहुत 100% पेपर में पूछा जाता है बच्चों, ध्यान से देखना। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, दो एग्जांपल दीजिए इन ऑक्साइड्स के। एम्फोटेरिक का मतलब होता है बच्चों उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, उभयधर्मी का मतलब दोनों तरह के धर्म दिखाते हैं, जो गुण दिखाते हैं, जो दोज मेटल्स यानी दोज मेटल ऑक्साइड, वो मेटलों के ऑक्साइड विच शो बेसिक एंड एसिडिक करैक्टर, जो एसिडिक करैक्टर भी दिखाएं और बेसिक करैक्टर भी दिखाएं, तो उनको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, इसका नाम, दूसरा नाम एलुमिना होता है, जिंक ऑक्साइड जिसको बोलते हैं ZnO, थोड़ा सा पास में लिखना इस ओ को, ZnO, क्लियर है। तो ये मेरे पास एसिडिक और बेसिक दोनों तरह के बिहेवियर शो करेंगे, ठीक है। नेम टू मेटल विच कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, ऐसी दो मेटल कौन सी हैं जो डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दें, तो दो ऐसी बताओ जो ना कर दे। तो देखो जिंक और आयरन हमारे क्या हैं, ऐसी रिएक्टिव धातु हैं जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं और वो क्या कर सकती हैं, हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड से डिस्प्लेस कर सकती हैं। कॉपर और मरकरी मेरे पास क्या है, लेस रिएक्टिव हैं, जो कि डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगी हाइड्रोजन से। कैसे पता लगे आपको इस चीज़ का, इसके लिए हम एक पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे बच्चों, उस सीरीज में पता लग जाएगा आपको। देखो ऊपर ज़्यादा रिएक्टिव मेटल रखी जाती हैं, जैसे ट्रिक है मेरे पास, एक कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जैन फरारी, बिपासा क्यों हो गई है, एंग्री आंटी, एजी और एयू। ये देखो नीचे क्या है, गोल्ड, सबसे नीचे गोल्ड हमारे पास होता है, और गोल्ड क्या है, सबसे कम रिएक्टिव है, पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और जिंक हमारा बीच में होता है, जो बीच का रिएक्टिव होता है भाई, ठीक है। तो बताओ जो ऊपर वाली मेटल होंगी वो क्या करेंगी, नीचे वाली को डिस्प्लेस कर देंगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर इसी में तो छुपा हुआ है। यहाँ पे क्या है, जो नीचे वाली मेटल है वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगी और ऊपर वाली मेटल डिस्प्लेस कर देंगी, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाली ज़्यादा रिएक्टिव, नीचे वाली कम रिएक्टिव। तो देखो लास्ट क्वेश्चन हमारा, इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ ए मेटल एम, व्हाट वुड यू टेक द एनोड एंड कैथोड, मान लो रिफाइनिंग करना चाहते हो तो एनोड किसका लोगे और कैथोड किसका लोगे, तो ये एनोड होता है मेरे पास, ये कैथोड होता है, इसको हम बैटरी से जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, इसके अंदर सिचुएशन क्या होगी, ये हमारा इनप्योर मेटल का होता है, एनोड इज मेड अप ऑफ इम्प्योर मेटल, कैथोड इज मेड अप ऑफ प्योर मेटल, और बीच में क्या भरा जाता है, इनके अंदर एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन भरा जाता है, साल्ट सोल्यूशन, ठीक है, जैसे NaCl का भर दूँ मैं, ठीक है। तो आज इतने क्वेश्चन करोगे बच्चे इसके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।